पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 17.50 रुपये फी लीटर महंगा। नई कीमत 290.45 रुपये फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 20 रुपये महंगा होकर 293.40 रुपये फी लीटर। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमत में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए, असलहा गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों समेत दीगर जराये में मुलविस थे। मुकामी आबादी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई का खैर मकदम। निगरा वजीर आला बलूचिस्तान की नामजदगी का मामला हल, जराये के मुताबिक मीर अली मर्दान के नाम पर इतफाक। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और मीर अली मर्दान खान डोमकी ने आज निगरा वजीर आजम अनवारुल हक से मुलाकात की थी। अनवारुल हक काकड़ और सरफराज बुगटी ने मौलाना फजल रहमान से मुशावरत की। हतमी फैसला वजीर आला बलूचिस्तान मीर कुदुर बजेंजो और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में मसरूफियात, निगरान वज़ीर आला सिंध की तकरीब हल्फबरदारी मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कल से ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फबरदारी की तकरीब 17 अगस्त को शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। आइन व कानून के तहत इलेक्शन 90 दिन में कराऊंगा, अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर नकवी की बोल न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू, कहा ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर चलूँगा, फिलहाल निगरान काबीना से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत का काम लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना है, मुल्की मौशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखेंगे, मजीद इकतसादी बेहतरी लाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काका कहते हैं अवामी फलाही मनसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलासों में मुख्तलिफ वज़ारतों के हम उमूर और मुल्की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा निगरान हुकूमत अपनी महदूद मुद्दत में तमाम तर तवानाइयां मईशत की असलाह पर सर्व करेगी। निगरान वज़ीर आज़म की सरबराह जे दुआ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का बरामद। गवर्नर सिंध कामरान टिजोरी और सैनेटर सरफराज बुगटी भी हमरा थे। निगरान वज़ीर आज़म से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात, निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और अली मर्दान डोम की भी मुलाकात करने। निगरान वज़ीर आज़म काबीना की तश्कील में मसरूफ, रुफ़ा और अहम शख्सियात से मशवरे जारी। विफाकी काबीना मरहलावार तश्कील देने का मशवरा, पहले मरहले में 12 वज़रा हल्फ उठा सकते हैं। निगरान वज़रा के नाम सामने आने लगे, ज़राए का कहना है फैसल वापटा, खुरम हमीद, रोखड़ी, अहमद चीमा, जलील अब्बास जिलानी समेत मुतअद्दिद नाम ज़ेर गौर हैं। हफीज़ुल शेख, डॉक्टर शोएब सिडल और सरफराज बुगटी का नाम भी गौर जारी। अब्सार आलम, सलीम साफ़ी और हामिद मीर के नामों पर मशा। इलेक्शन के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए, इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत को हिदायत। निगरान हुकूमत के नाम खत में लिखा, असेंबली तहलील के बाद इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन की पेश की इजाज़त के बगैर तकरीरी तबादले ना किए जाएँ। वफाकी सूबाई और मुकामी इदारों पर हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी आयद, हर किस्म की तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद। निगरान वज़ीर आज़म, वज़राए आला और काबीना अरकान से असासों की तफसीलात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर के दस्तखत के बाद पैमरा तरमीमी बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली और सैनेट ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया था। चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनेगी। तरमीमी बिल में चेयरमैन पैमरा के यकतरफा इख्तियारात को महदूद किया गया है। नए कानून में इश्तहारात को सहाफियों, मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों और वाजबात की अदायगी से मशरूत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाज़ुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने केस की 16 मई 2023 को आखिरी समाअत की।
चेयरमैन पीटीआई की मजीद 9 मुकदमात में जमानत खारिज। 9 मई से मुतालिक वाकयात में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 6 मुकदमात में जमानतें खारिज की। जज ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि बड़ी सहूलत होती अगर चेयरमैन पीटीआई केसेस में शामिल तफ्तीश होते। एटीसी अदालत ने भी 3 मुकदमों में जमानत खारिज कर दी। अदालत ने अदम हाजिरी के बाद जमानतें खारिज की। अदालत में प्रोसिक्यूटर राजा नवीद पेश हुए। शहर कायद के बिजली सार्फिन को महंगाई का बड़ा झटका देने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए 1.52 रुपये फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। बिलों पर इजाफी सरचार्ज 1 साल के लिए होगा। हुकूमत की सरचार्ज से मुतालिक दरख्वास्त पर नैपरा में समाअत मंजूरी की सूरत में इजाफी सरचार्ज से 24 अरब 50 करोड़ रुपये इजाफी बोझ पड़ेगा। नैपरा अदादोशुमार का जायजा लेने के बाद हतमी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर इजाफा लागू नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने बिजली बिलों में इजाफी चार्जेस वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्तें नैपरा को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए नैपरा अदालत आलिया के फैसले की रोशनी में बिजली बिलों के इश्यूज पर फैसला करने पर नैपरा को अहकाम जारी करते हुए दरख्वास्तें निपटा दी। कराची नॉर्थ अजमाबाद ब्लॉक डी में डकैती की कोशिश। कार सवार के हाथ में क्लाशिंकोव देकर मुलजिम उल्टे कदमों भागा। शहरी ने फायरिंग कर दी। मुलजमान साथी लड़की को छोड़कर फरार हो गए। वारदात में कई रास खुल गए। डाकू मुलजमान ने मुबैना तौर पर बैंक मैनेजर के मुलविस होने का इंकशाफ कर दिया। कहा साथी मुलजमान में फरमान और रशीद शामिल है। मुलजमा के वालिद जेल में है। बैग से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बरामद। वारदात की सीसीटीवी फुटेज। अफगानिस्तान से 3 मैचेस की वनडे सीरीज। एशिया कप का मिशन। लाहौर में 3 रोजा तरबियती कैंप जारी। ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिस में सब ने जमकर मेहनत की। हेड कोच के साथ खिलाड़ियों का मुशावरती सेशन हुआ। सेशन में तकनीकी खामी के निशान। सुरपक के धुन शानदार राग लाजवाब। आज हर दौर में गायकी के उस्ताद शहनशाह कव्वाल नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से पिछड़े 26 बरस बीत गए। रिकॉर्ड से कैसेट सीडी और मेमोरी कार्ड से यूट्यूब का जमाना आ गया, लेकिन उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के गाने पर पुराने नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालों में आजादी का दिन जोश जोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।